जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो ऐसे टीजीटी पीजीटी छात्र जिनका चयन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, चाहे वो धांधली या फिर तैयारी में कमी का कारण रहा हो, साथ ही एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी यूपी टेट 130 प्लस नंबर के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चच्चू प्रकाशन आपके लिए लेकर आ गया है एनसीईआरटी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित यूपी टेट के लिए बेस्ट गाइड बुक, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी सटीक व्याख्यात्मक हल के साथ। इसके अलावा पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी, साथ ही दो साल में पेपर भी इसमें मौजूद है। और चच्चू प्रकाशन की बुक एकदम सटीक बुक होती है, मतलब एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, तभी तो यूपी टेट के लिए चच्चू प्रकाशन की बुक नंबर वन मानी जाती है। और ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही इनका अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जो कि परीक्षा के लिए रामबाण साबित होता है, और ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल। तो साथियों, जैसा कि आप सभी टीजीटी पीजीटी साथ ही एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच एक और बड़ा सवाल है कि कौन सी भर्ती पहले देखने को मिलेगी और हम किसकी तैयारी करें ऐसे में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 8166 पदों पर अधियाचन भी सफलतापूर्वक आ चुके हैं। हालांकि दोबारा से कुछ पद बढ़ाए भी जाएंगे, लेकिन टीजीटी पीजीटी के अधियाचन का कार्य भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि सबसे पहले आप सभी को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, और ये कब तक आएगी अभी हम चर्चा करेंगे। अब जो है कैसे तैयारी करें और किसकी तैयारी करें, तो देखिए अभी अभी आपने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया है, तो इसीलिए में आप अपने विषय की तैयारी में और सुधार लाइए, साथ ही चीजों को और अच्छे तरीके से कवर करिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जीएस को भी आप सभी को लेकर चलना होगा, क्योंकि इसमें यानी कि एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीएस से भी आते हैं, और ये प्रश्न ऐसे वैसे नहीं होते हैं कि आप इधर उधर से पढ़ करके काम चला लेंगे। मतलब एक यूपीपीएससी द्वारा बनाया गया अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का पेपर देखने को मिलता है जीएस का। लेकिन इसकी टेंशन आप सभी को बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, इसे आप सिर्फ रोजाना का आधा घंटा दे करके अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि इसकी सीरीज जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाली है। तो इसके लिए आधा घंटा पर्याप्त है, लेकिन निरंतर और कंसिस्टेंसी से। देखिए, जीएस का लेवल काफी ब्रॉड होता है, कई लोग बोलते हैं कि लूसेंट पूरा चार्ट डालो, अरिहंत पढ़ो। तो देखिए, लूसेंट अरिहंत में काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके किसी भी काम की नहीं है, फालतू की भी दे रखी है। तो एलटी के लिए हम एलटी के ही पैटर्न का सिलेबस और पिछले पेपर के अनुसार एक सीमित और स्टैंडर्ड तरीके का स्मार्ट तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तो एलटी जीएस के लिए आप टेंशन ना ले। तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो दोनों ही भर्तियों के लिए एक सीट पक्की करने वाली तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये भर्तियां कब तक देखने को मिलेंगी। तो देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पूरी पूरी उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक यानी कि इसी मंथ आप सभी को इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि अभी इसके अधियाचन का कार्य भी स्टार्ट नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जो है 10 तारीख तक एक मीटिंग होने वाली है सेवा चयन बोर्ड की, तो अगर उसमें कोई ऐसा फैसला लिया जाता है तो आप सभी को तत्काल अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।